Adesso apro. Sì, adesso. जी बहुत यार अच्छा हो गया, लॉन्च हो गई. काफ़ी टाइम से प्रोसेस चल रही थी. तगड़ी है, मैंने अभी देखी प्रेजेंटेशन. मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी चीज़ें हैं. डबिंग वाली चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, मतलब वो और ऐप्स में नहीं है. तो आई थिंक इट लुक्स लाइक अ विनर. लेट्स सी हाउ इट यू नो गोज. जी हैज़ ऑब्वियसली, जी की रेपुटेशन बहुत तगड़ी है. सो आई एम श्योर कोई कसर नहीं रहेगी. मार्केट में ऑलरेडी पहले बहुत सारी ऐप्स हैं, बट एक्साइटेड हूँ मैं इसके बारे में. यार रेवोल्यूशन तो जी रेवोल्यूशन कब से ला रहा है. सो अब ये देखते हैं, बहुत सारे नए शोज हैं, मेरा शो भी है इस पर. रेवोल्यूशन लाएगा या नहीं लाएगा तो टाइम बताएगा, बट ऑन आई थिंक दिव रियली वर्कड हार्ड. आप देख सकते हो, मतलब डबिंग, अडेप्टेबल बिट रेट और 12 लैंग्वेजेस में. मैं तो यही सोच के अभी तक मैं यही सोचे कि परेशान होगी, 12 लैंग्वेजेस में सारे इन्होंने शो डब किए हैं और साला और कहीं भी बटन दबाओ तो लैंग्वेज चेंज हो रही है. तो सही है यार, मस्त चीज़ है, बढ़िया चीज़ है. आपके शो आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानना. मेरा शो यार मैंने प्रोड्यूस किया है, पंगा ले लिया मैंने प्रोडक्शन वाला. बट शो का आइडिया बड़ा ख़तरनाक है कि 5-10 बॉलीवुड सिंगर्स हैं मेन स्ट्रीम इस्टेब्लिश्ड, और 10 ये यूट्यूब पे जो स्टार्स बने हैं हाल ही में, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में अभी बहुत वो हो गया ना, जैसे शर्ली सेतिया है, दर्शन रावल है, अक्ष बागला है, कितने सारे यूट्यूब पे जो स्टार्स बने हैं. तो उनको 48 घंटे के लिए बॉलीवुड और ये यूट्यूब वालों को मिला दो और 2 गाने इनको बनाने को कह दो और देखते हैं फिर क्या करते हैं. तो वो चीज़ है, लॉकडाउन है शो का नाम. तो एक्साइटिंग है और विजुअली मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर शूट कर रहे हैं. मतलब जैसे रफ्तार इज बेसिकली फ्रॉम केरला, तो केरला में एक वो हो रही है. गिप्पी पाजी और अर्जुन कनुंगो, हम पंजाब जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं. तो पैपॉन सर के उधर जा रहे हैं. तो मज़ेदार चीज़ है. हाँ अरे यार थैंक यू. नाम याद है. यार ये था कि कुछ नई चीज़ बनाए, और एक मैंने एक था कि यार थोड़े पैसे भी बना लें. बट मोर देन दैट आई थिंक ये था कि कुछ मैं कुछ बनाता हूँ, मेरा कुछ मन है, तो मैं सारी चीज़ें ऐसी अपने तरीके की करूँगा. तो वो मेरे प्रोडक्शन हाउस के अंडर करने की मेरी कोशिश है. तो आगे टीवी शोज और शायद भगवान ने चाहा तो फिल्म भी बनाएंगे. तो ये सीन है यार. न्यू कमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बड़ा ही ऑनेस्ट, एक साफ पेपर है. वहाँ पे कोई आप रेटिंग ऊपर नीचे नहीं कर सकते. अगर आप में टैलेंट है तो आप ऊपर आओगे ही आओगे. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आई थिंक शुक्र है भगवान का, टैलेंट के लिए एक बहुत तगड़ी जगह है. तो मैं तो यार डिजिटल प्लेटफॉर्म के पूरे पूरे हक में.